मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। शनिवार को उन्होंने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरोज खान का कोरोना टेस्ट भी हुआ था जो नेगेटिव आया था। रात करीब 2:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। सुबह 7 बजे मुंबई के मलाड के कब्रिस्तान में सरोज खान को दफना दिया गया। सरोज खान के माता पिता पार्टीशन के बाद भारत आकर बस गए थे। उन्होंने अपना कैरियर बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था और बाद में वो बैकग्राउंड डांसर बन गई थी। We all woke up with the sad news of the death of Saroj Khan ji. Saroj Khan ji, an ace choreographer who died today at the age of 71. We have no words to express our sorrow on losing a great technician and a great human being of our industry. We have lost great talent in recent times, and today again we lost a strength of our industry, a mother figure of our industry. Saroj ji has played a role of a great technician. She is the reason of the success of many actors and the industry at large. Her aura on the set was unmatchable. The way she used to express, the way she used to handle actors, the way she used to handle other technicians, cinematographers, directors, was unmatchable, unparalleled. Every song which she shot was different. Actors, actresses have copied her movements, have copied her expressions. She was a great actress too. She was a great performer too. And we have lost her today. I was lucky enough to work with her in my film Sheen. And I can never forget that period when I was with her, when I shot with her. The industry has lost a diamond today. We'll miss you, Saroj ji, but your work will always remind us of your presence, of your contribution in the film industry. Peace be to your soul. Om Shanti. Saroj Khan, मेरा सबसे बड़ा निजी लॉस, मेरी सिनेमा यात्रा का एक अटूट महत्वपूर्ण भाग सरोज जी। भारतीय सिनेमा में क्लासिकल डांसेस को कायम रखने वाली आखिरी कड़ी सरोज खान। परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा, लेकिन सरोज खान नहीं आए। हम सब उसके विद्यार्थी बनकर ही मास्टर बने हैं। सब सिनेमा हमेशा उन्हें याद रखेगा, हमेशा। मैं क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बस दुखी हूं मैं आज। सरोज खान का नाम निर्मला हुआ करता था। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। मशहूर डांस कोरियोग्राफर बी सोहन लाल से सरोज खान ने कोरियोग्राफी सीखी और उनसे शादी की। उस वक्त सरोज खान 13 साल की थी और सोहन लाल 41 साल के थे। ये सोहन लाल की दूसरी शादी थी। सरोज खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ट्वीट किया और लिखा कि एक बुरी खबर के साथ सुबह की शुरुआत हुई कि महान कोरियोग्राफर सरोज खान अब नहीं रही। सरोज खान डांस को इतना आसान बना देती थी कि लगता था हर कोई नाच सकता है। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी आत्मा को शांति मिले।
डायरेक्टर कुणाल कोहली ने भी सरोज खान को याद किया। फिल्म फना में कुणाल कोहली के साथ सरोज खान ने काम किया। कुणाल कोहली ने लिखा कि सरोज खान हमेशा दूसरे लोगों के अधिकारों के लिए खड़ी होती थी। वो ये नहीं देखती थी कि कौन स्टार है और कौन नहीं, वो अपने मन की बात करती थी, जो उनके मन में आता था वो बोलती थी। बॉलीवुड में सरोज खान का करियर 4 दशकों से भी ज्यादा रहा और उन्होंने 2000 से ज्यादा गानों के लिए कोरियोग्राफी की, लेकिन उनका सबसे ज्यादा अच्छा काम निकल कर आया श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ। 80 और 90 के दशक में इनके कोरियोग्राफ किए गए सॉन्ग्स काफी हिट रहे। सरोज खान को बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर उनका पहला ब्रेक 1974 में फिल्म गीता मेरे नाम में मिला था, लेकिन उन्हें शोहरत दिलवाई मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई ने। इसके बाद सरोज खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीदेवी के लिए उन्होंने फिल्म नगीना और चांदनी में भी कोरियोग्राफी की। माधुरी दीक्षित के साथ सरोज खान का काम काफी ज्यादा निखर कर आया। माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के यादगार आइटम सॉन्ग 1, 2, 3 और 2007 में आई फिल्म जब वी मेट के सॉन्ग ये इश्क हाइब के लिए भी सरोज खान को नेशनल अवार्ड मिला था। संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में डोला रे डोला गाने की कोरियोग्राफी के लिए भी सरोज खान को नेशनल अवार्ड मिला था। उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। सरोज खान ने आखिरी बार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म कलंक में तबाह हो गए गाने को कोरियोग्राफ किया था। इस गाने में माधुरी दीक्षित नजर आई थी। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी।